हेलो फ्रेंड्स, बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन किया था वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो उसमें मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को बेटा मैंने क्या दिया था, एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। तो पहले अपन उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा कि उसका जो है आप लोगों ने जो आंसर किया होगा वो सही है या नहीं सही है। बेटा कल थोड़ी सी टेक्निकल इशू की वजह से जो है वॉइस नहीं क्लियर थी, आप उसमें ईयरफोन यूज करके जो है उसको थोड़े ध्यान से सुनेंगे। वैसे मैं उस लेक्चर को नोट्स बना लेंगे बेटा, फिर से अगर किसी को डाउट रहेगा तो जो है मैं जो है आपको बुला करके मैसेज कर देंगे, मैं बुला के समझा दूंगा आपको, ओके है क्या, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो बेटा सबसे पहला ये क्वेश्चन ये था, मैं पढ़ देता हूँ एक बार, कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एडेड इन दी 45 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि एक बेटा कंटेनर था अपने पास, इस कंटेनर के अंदर, ठीक है, क्या था इसमें 30 ग्राम ऑफ यूरिया को ऐड किया गया है। क्या ऐड किया गया, 30 ग्राम किसको, यूरिया, यानी कि NH2CO, ठीक है। 60 बता दिया था मैंने स्टार्टिंग में, वेट होता है इसका, किसमें ऐड किया गया है, ये 30 ग्राम ऐड किया गया किसमें, 45 ग्राम क्या दिया था, वाटर में ऐड किया गया है, ठीक है। एट सर्टेन टेम्परेचर इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, यानी जो वाटर का जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर किसका, जो वाटर का है, वो कितना दिया है, 300 दिया हुआ है, तो पूछ रहा है। तो आपको ये सारी चीजें मैंने दिया था कैलकुलेट करने के लिए, ये चार चीजें, ठीक है, अरे बात समझ में। तो पहले एक बार मैं फटाफट एक बार फार्मूलों को रिवीजन करवा देता हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था फार्मूला, इसमें सबसे पहला फार्मूला अपन ने निकाला था पी ए, कभी प्रेशर देख क्या निकालेंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए निकालेंगे। दूसरा क्या दिया था मैंने, अब ये पी ए समझते हैं, पी नॉट ए क्या है, जो भी अपन ने सॉल्वेंट यूज किया है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में क्या है, वाटर, ये है, इंटू क्या है, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, और पी ए क्या है, जब हम बेटा ऐड कर देते हैं इम्प्योरिटी, तो उसके बाद जो वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या रहेगा, पी ए, आ रही बस में सोल्यूशन का, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं इसमें, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये क्या चीज था, पी नॉट ए माइनस पी ए इक्वल टू क्या था, पी नॉट ए इंटू एक्स बी, ठीक है बेटा, ये क्या था, यही था अपना एल बी पी, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मैंने पी नॉट ए को नीचे कर दिया था इक्वल टू, ये क्या था, आर एल बी पी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, ठीक है। और इस चीज में ये मोल फ्रैक्शन था, मोल फ्रैक्शन को अपन ने मोल के टर्म में डिराइव करके मैंने लास्ट में लिखा था, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी एच टू क्या था, एन बी अपॉन एन ए, मोल्स ऑफ कितना बी का था, एंड ये क्या था, मोल्स ऑफ ए था, इतना हो गया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन में पूछता अपना मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, यूरिया को ऐड किया गया है बेटा, इससे फिक्स होता है कि यूरिया जो है अपना, ये क्या हो गया अपना, ये हो गया बेटा सॉल्यूट, ठीक है। और सॉल्यूट को हमेशा अपन ने बोला था किससे दिखाते हैं अपन, हमेशा बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो वाटर है ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, ए से, ठीक है। तो सबसे पहले का आंसर में लिख दे, यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन, बेटा सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या था, मोल फ्रैक्शन पूछा गया था, ए किसका पूछा था, क्या था, सॉल्यूट का, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बेटा सबके मोल्स निकालने पड़ेंगे, आ रही बात समझ में। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, कहते हैं उसके मोल, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन सा है अपना, यूरिया, यहाँ लिख देता हूँ यूरिया, तो यूरिया के मोल्स अपॉन क्या हो जाएंगे, किसके मोल, वाटर के मोल प्लस यूरिया के मोल, उसके मोल बटे टोटल मोल। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो टोटल मोल निकाल लेते हैं, मोल कैसे निकालते हैं, क्योंकि मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन ग्राम वेट अपॉन क्या करते हैं, मोलर मास, मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं ग्राम वेट। अब बेटा जैसे हमको निकालना है मोल्स ऑफ द यूरिया निकालना, कैसे निकालेंगे, यूरिया कितना है, 30/60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1/2, ये किसके हो गए, यूरिया के हो गए। बात करेंगे मोल्स ऑफ वाटर की, तो वाटर कितना दिया गया बेटा, 45, तो 45 अपॉन कितना हो जाएगा, 18, आ रही बात समझ में, ठीक है। इसको जो है अपन जो है डिवाइड करें अगर, ठीक है, 45 अपॉन 18, तो इसको अपन डिवाइड कर सकते हैं, ये बेटा डेसिमल में चला जाएगा, ठीक है, ये 3 से डिवाइड कर दें, अच्छा 3/18, तो जो है 3 से डिवाइड करते हैं, 3/18 और जो है 3 बन जा 3, ठीक है, उस पर ध्यान आएगा, 3×15, ठीक है, ये 15/6 क्या अभी भी कट जाएगा क्या, बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है, इसको अपन और काट देते हैं, 3×2 = 6 और 3×5 = 15, ये कितना आ गया अपना, 5/2, कितनी बार समझ में आती है, ये टोटल कितना हो गया,
5 बाई 2 के फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो अपन क्या करें बेटा, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, इसको ऐसे जैसे मैंने बोला था कि अपन डेसिमल नहीं निकालेंगे, तो ये सबके मोल आ गया। अब मोल फ्रैक्शन सल्यूट का निकालना, यानी कि मोल फ्रैक्शन यूरिया सल्यूट का, ठीक है, कैसे निकालेंगे, उसके मोल यूरिया का कितना है बेटा, 1/2 अपॉन क्या कर देंगे, 1/2 प्लस 5/2, आ रही बात समझ में, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे बेटा, जो आएगा वही क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद अगर हमको क्या पूछता है, वाटर का पूछता है, तो क्या करेंगे, वाटर के मोल कितने आ गए अपने पास, 5/2 इज डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 5/2, सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया आंसर बेटा। ये हो गया सोल्यूशन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं सोल्यूशन नंबर सेकेंड बी को, ठीक है। बेटा बी को जैसे ही फाइंड आउट करना है अपने को, बी बी कहता है कैलकुलेट दी आर एल वी पी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब बेटा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मैंने साफ साफ बताया था कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, ये जस्ट इक्वल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के, किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन, शायद मेरे पास सोल्यूशन है सीट में, सीट में सोल्यूशन इसका दिया हुआ है। हाँ बेटा, ये जो मोल फ्रैक्शन है आपका, ये जो वाटर का है, ये सॉल्व करेंगे आप इसको यूरिया का, तो यूरिया का सॉल्व करने पाएगा 1/6, क्लियर है, ये आएगा अपना यूरिया का आ रहा है 1/6 आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे आएगा इसका यहाँ पे 1/6, और ये कितना, जब अगर ये 1/6 है, टोटल कितना होता है 1, तो फिक्स है बेटा ये कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। आगे बात समझ, तो क्या होता है मोल फ्रैक्शन, क्या होता है जो आर एल वी पी होता है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके इक्वल होता है, सोल्यूट के, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आया, 1/6, यानी कि आर एल वी पी कितना हो जाएगा बेटा, 1/6 आंसर, आसान है, ठीक। नेक्स्ट बेटा अब बात करते हैं सी की। सी में क्या, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, बात करना है सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा, ठीक है। तो यूरिया जो ऐड किया गया, हम इसको क्या मान के चलेंगे, यह एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, अरे बस हमें क्या मानेंगे, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। वाटर क्या है बेटा, वोलेटाइल है, अपन फॉर्मूला लगा देंगे क्या, pA = यही पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, p0a × xA, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया हुआ, कितना दिया है ये, 300, मल्टीप्लाई कर देंगे xA बेटा, कहाँ गया अपना, वाटर का कितना आया है मोल फ्रैक्शन, 5/6 कर देंगे, आ रही बात समझ में, ठीक है। 6×5, 5×25, 250 आ गया पी ए, कितना आ गया अपना 250। अब बात कर लेते हैं डी वाले की, पी ए आ गया इतना, पी नॉट ए पता चल गया। अब इसके बाद डी ऑप्शन में अपने बोला था एल वी पी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कितना होगा। बेटा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, आप चाहे पी नॉट ए इंटू एक्स बी कर दीजिए, चाहे ये फॉर्मूला लगाइए, चाहे बेटा ये फॉर्मूला लगाइए, दोनों में सेम आंसर आएगा। मैं दोनों से करके दिखा देता हूँ, जो कि अगर आप पी नॉट ए माइनस पी ए करेंगे, ठीक है, तो पी नॉट ए दिया है कितना क्वेश्चन में, 300 माइनस कितना आया, पी ए कितना निकाला अपन ने, 250, कितना आ गया ये 50, लोअरिंग में प्रश्न कितना हो गया 50, ठीक है। चलिए इससे निकाल के देखते हैं बेटा, इससे भी आंसर आएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स बी करके देख लेते हैं, तो पी नॉट ए कितना दिया हुआ अपना, 300 इंटू एक्स बी, एक्स बी, बी किसके लिए यूज करते हैं अपन, स्टार्टिंग में मैंने अभी इसीलिए बताया, बी किसके लिए यूज करते हैं अपन, सल्यूट के लिए, क्लियर है ये। और जो सल्यूट है अपना, जो अपना सल्यूट है, ये क्या है अपना यूरिया, 1/6 इंटू क्या कर देंगे, 1/6, 6/5, देखिए बेटा कितना आंसर आ गया, 50 बेटा, दोनों में से कोई फार्मूला लगा लीजिए, आएगा तो आंसर वही। आगे बात समझ में, ये हो गया अपना एल वी पी का। नेक्स्ट अपने पास ई वाला आता है ऑप्शन, क्या आता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी पूछा है, ठीक है, मोलैलिटी निकालने के लिए, ठीक है। तो जो मोलैलिटी होती है, ठीक है, इसको भी बेटा निकालने क्या होते हैं अपने पास, बहुत ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो मोलैलिटी का मैंने आप लोग को, अगर मोल फ्रैक्शन आपको पता है तो उससे भी अपन निकाल सकते हैं, याद करिए मोल फ्रैक्शन के टर्म में मोलैलिटी जो होती है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है अपना, सल्यूट का अपॉन मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का, ठीक है, याद होगा, इंटू 10 अपॉन जो मोल, जो वेट होता है वेट ऑफ दी सल्यूट का, ऐसे करके इंटू थाउजेंड इंटू जो है क्या रखते हैं, वेट ऑफ दी सल्यूट, इसको करेंगे तो इससे भी अपन क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटा इसको अगर आप रख करके सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाता है यहाँ पे, आपका 100/9 आएगा, ठीक है। आप इसको यूज कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट कितना निकाला अपन ने, सल्यूट का है 1/6, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट 5/6, इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ द क्या रखते हैं, सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट,
सॉल्वेंट अपना कौन सा है यहाँ पे, वाटर है, तो वहाँ 18 रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ये आएगा 100/9 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है, क्लियर है ये? ठीक है, या फिर अपन जनरल मेथड से निकालेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा। चलिए, तो ये हो गए आपके टोटल, इतने जो है मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, ये पूरा सबका सलूशन हो गया। ठीक है, अपन चलते हैं अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, दो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज शुड बी डिजॉल्व इन 180 ग्राम ऑफ वाटर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाई 20%। क्वेश्चन कह रहा है कि कितने ग्राम ग्लूकोज को हम क्या करें, 180 ग्राम वाटर में डिजॉल्व करें, उसका जो वेपर प्रेशर है वो 20% कम हो जाए। कितना परसेंट हो जाए, 20% कम हो जाए, ये क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो चलिए अपन मैं बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं तो बेटा वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, अदरवाइज मैं इसको सॉल्व करता हूँ, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आ चुका होगा, चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका बेटा, ये परसेंट है, परसेंट कहीं भी आएगा तुरंत हम क्या करेंगे, 100 मान लेंगे। तो आपको मैंने एक फॉर्मूला लास्ट क्लास में, इन तीन फॉर्मूले हैं बेटा, इनका यूज अपन ने क्या किया है, अभी क्वेश्चनों में मैंने इन तीनों के एप्लीकेशन बता दिए हैं। ये फॉर्मूला रह गया था, इसका एप्लीकेशन नहीं बताया था, तो इस पर मैंने फिर से एक एप्लीकेशन, इसलिए मैंने एक और क्वेश्चन करवाया इस पर, ताकि ये फॉर्मूला यूज हो जाए। बेटा कोई भी चीज 100 दिया तो हम क्या करेंगे, तुरंत पी नॉट ए कितना मान लिया अपन, परसेंट में दिया तो क्या करेंगे, इसको 100 मान लिया जाएगा। ठीक है, कहता है 20% डिक्रीज करेगा बेटा मिलाने के बाद। ये क्या है, ये प्योर सोल्यूशन का, अगर क्या है जैसे मैंने, अगर ये क्या है लिक्विड ए है, अगर ये प्योर लिक्विड ए है, तो इसमें जो भी बेटा वेपर बनेंगी उसको क्या लिखते हैं अपन, पी नॉट ए। अपन ने कुछ इसमें क्या किया, ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या, अगर इसमें इंप्योरिटी प्रेजेंट है तो क्या लिखते हैं इसको, पी ए लिखा जाता है ओनली। आ रही बात समझ में, तो क्या है पी नॉट ए कितना, 100। कहता है कि 20% रिड्यूस कर दिया, यानी कि 20 रिड्यूस कर दिया, बताइए बेटा पी ए कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है 80, अरे 100-20 कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि 180 ग्राम वाटर का दे दिया है, यानी वाटर क्या लेंगे हमेशा, सॉल्वेंट लेंगे, यानी कि सॉल्वेंट यानी कि ए, मैंने बताया सॉल्वेंट रहेगा तो ए से सोल्यूट है तो बी से, आ रही बात समझ में। तो अपन इस फॉर्मूले डायरेक्ट यूज, अपने को पता है पी नॉट ए, और क्या दिया रखा है इसमें, वेट ऑफ दी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना दिया है इसमें, ग्राम वेट ऑफ दी सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है, ये 180 ग्राम, और अपन को मॉलिकुलर वेट पता है, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है बेटा, वाटर है 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले यूज करेंगे, तो पी नॉट ए माइनस पी ए, तो पी नॉट ए कितना हो जाएगा, 100-80 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, पी ए कितना हो गया बेटा ये 80 इक्वल टू एन बी। अब जानते हो सभी चूंकि क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल क्या होता है, ग्राम वेट को डिवाइड कर देंगे किससे, मोलर मास से। ठीक है, सॉल्ट में लिख दें तो इसको ग्राम वेट अपॉन क्या कर देंगे, एम। ठीक है, इसको अपन अगर क्या है, अगर अपना सल्यूट है तो क्या लिखेंगे बेटा, अगर सल्यूट है तो क्या ऐड करना है आपको, सल्यूट याद रखेंगे बी होता है, और सॉल्वेंट अगर है तो उस फॉर्मूला हमेशा क्या रहेगा, ए रहेगा। याद रहेगा नहीं ये चीज़, ये अपने नोट्स में याद रखना है, जहाँ जा भी मैं लिखूंगा। अब क्या एन बी है, तो बेटा एन बी अगर रखेंगे, एन बी की जगह हम डायरेक्ट इसको रख रहे हैं, तो क्या है, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, क्या बोलता है एन ए से, एन ए की जगह क्या रखेंगे आप, वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। क्या इतनी बात समझ में आती है, सॉल्व करते हैं। क्या अपने को डब्ल्यू भी क्या करना है, निकालना है, भाई पूछा कितने मिलाने हैं, एम बी पता है बेटा, मोलर मास ऑफ ग्लूकोज आसानी से पता है कितना होता है, 180 होता है, तो ये 100 में से 80 किया कितना आ गया, ये 20 बाई 80, अरे कितना हो जाए बेटा, 1/4। इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, उसके बाद ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपने को निकालना है, अपॉन क्या कर देंगे, एम बी कितना दिया हुआ है, अपने को पता चल गया 180 इंटू वेट कितना दे रहा है, ये वेट क्वेश्चन में कह रहा है कि वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना दिया है, ये कितना दिया है 180,
ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, तो 180 डिवाइडेड बाई 18, अरे बेटा 180 और ये क्या है वाटर का कितना होता है 18, ये कैंसिल नहीं कर देगा, कितना जाएगा ये अपना, ये अपना आ जाएगा यहाँ पे 10। क्या इतनी बात समझ में आती है? ठीक है, ये इन दोनों को क्या किया मैंने, डायरेक्ट डिवाइड करके ये लिख दिया। ठीक है, अब डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको इधर कर देंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका जो अपना आंसर आएगा वो आ जाएगा अपना 450 ग्राम। क्लियर है ये, 450 ग्राम आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है ये। चलिए बेटा एक लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूँ कि और कर लिया जाए, तो उसके बाद सिलेबस को जो है अपन और आगे बढ़ा देते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन कहता है कि 30 ग्राम ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट दिया नहीं है, क्या है, ठीक है, इज डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज 570 mm of Hg, then calculate molar mass of solute। बेटा सल्यूट पूछा है, सल्यूट का क्या निकालना है, मोलर मास यानी कि mb निकालना है। अपने को अब क्या पता है बेटा, अपने को जो है अगर फॉर्मूले की बात करें तो P naught A minus PA upon PA equal to क्या होता है, मोल ऑफ बी, मोल क्या होता है ग्राम वेट अपॉन क्या हो जाएगा मोलर मास ऑफ बी इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा WA upon WB। बेटा इसमें क्या है PA दे रखा है, कितना दे रखा है 570 दे रखा है, ठीक है सर। P नॉट A नहीं पता है, जब भी बेटा याद रखें या स्टार बनाकर लिख लेंगे कि एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ P नॉट A इक्वल टू 760, ये कांस्टेंट वैल्यू 760 mm ऑफ Hg याद रखेंगे। यहाँ कितना रखना है 760, यहाँ पे 570, यहाँ पर भी 570। अपने को ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना है, ये 30 दे रखा है, कितना दे रखा है इसने, हाँ 30 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद इसको कितना दे रखा है, अपने को ये दे रखा है 360, ये अपना हम जानते हैं 18 mb पूछ रहा है, निकाल लेंगे बेटा, सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसका आंसर बता देता हूँ मैं, इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 4.5। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका, सॉल्व जरूर करेंगे, आंसर आएगा 4.5। क्लियर है क्या इतना, ठीक है बेटा। ये हो गए अपने क्वेश्चन पोर्शंस हो गए हैं, ठीक है। ये तो मैंने बेटा केवल इसलिए दिया, अपन क्या किए थे लास्ट क्लास में, अपन ने 1, 2, 3, 4 टाइप के फॉर्मूलेस पढ़े थे। इन 4 टाइप के फॉर्मूले में, ठीक है, अपन ने 3 का यूज केवल एक ही क्वेश्चन में कर लिया था, ठीक है। एक एक्सपेंड करके मैंने इसका क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने केवल इस चीज़ को समझाने के लिए किया है, ठीक है, बस इतने ही थे, ठीक है। इतने में आपके कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं क्लियर हो गए होंगे। अब अपन चलते हैं बेटा लास्ट क्लास में, अपन ने स्टडी की थी कि जब हम क्या करते हैं वेपर प्रेशर जो है निकाला था हमने किसी सॉल्यूशन का, उसमें केस फर्स्ट अपन ने पढ़ा था, जब अपन क्या करें जो भी सॉल्यूट मिलाते हैं वो कैसा हो, नॉन वोलेटाइल नेचर का हो। अब अपन जो है दूसरा केस पढ़ने जा रहे हैं और इसमें हेडिंग डाल देंगे केस नंबर सेकेंड, उसी के अंदर चल रहा है अभी केस नंबर सेकेंड। केस नंबर सेकेंड क्या है, इफ लिक्विड बी बिकम्स वोलाटाइल इन नेचर। यानी बेटा अब जो अपन ऐड करेंगे, जो अपन ऐड करने जा रहे हैं, यानी कि लिक्विड बी है, या फिर अपन इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये जो ऐड कर रहे हो क्या है, सल्यूट है। अगर जो सल्यूट है, अगर जो ऐड करने वाला सल्यूट है वो कैसा हो, वो भी वोलाटाइल नेचर हो जाए, तो कैसे हम इस सल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालेंगे। चलिए इसके लिए पहले हम डायग्राम से थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। इसमें क्या है बेटा, इसमें मैं लिख देता हूँ प्योर लिक्विड, पहले क्या है ए, ठीक है। इसमें क्या है प्योर लिक्विड, अभी अपन ने क्या मिलाया बी, ठीक है। सपोज करते हैं कि सरफेस इनका यहाँ तक था, इसका भी सरफेस यहाँ तक है, ठीक।
मैंने बंद कर दिया वेब क्योंकि प्रेशर बनाने के लिए इसको क्लोज कंटेनर होना पड़ेगा, लिखवाया भी है मैंने, ठीक है। सपोज अब ये अगर बेटा ये प्योर लिक्विड ए है तो इसका वेपर प्रेशर जो यहाँ पर वेपर जो बनेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो भी वेपर पड़ेंगे वो बाद में क्या करेंगे, समझा दिया था, पहले ये इवेपरेट होते हैं फिर उसके बाद क्या होता है कंडेंस होते हैं, तो इसके बाद क्या होगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है उसे क्या नाम देंगे अपन, प्योर है तो क्या होंगे पी नॉट ए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए इन दिस लिक्विड, ठीक है। बात करेंगे इसकी तो यहाँ पर भी सेम केस ऐसे ही होगा, यहाँ भी होंगे तो यहाँ पर भी क्या होंगे बी के मॉलिक्यूल्स होंगे जो प्रेशर लगाएंगे और यहाँ पे इक्विलिब्रियम आएगा, वो जो इक्विलिब्रियम पे प्रेशर है वही क्या है वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर इसका जो वेपर प्रेशर चूंकि ये प्योर है तो क्या करेंगे पी नॉट बी, बेटा पी नॉट बी क्या है अगर पूछे पी नॉट बी क्या है, कहेंगे इट इज दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों को बेटा क्या किया गया मिक्स करके अपन ने क्या किया एक नया सोल्यूशन बनाया है, समझेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बेटा बड़ा कर देता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये जो है इन दोनों को अपन ने क्या किया है मिला लिया है, इन दोनों को जैसे अपन ने मिक्स किया तो अपने पास क्या होगा, अब बेटा हम इसको लिक्विड नहीं कहेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे सोल्यूशन, क्या हम प्योर कह सकते हैं, नहीं बेटा इसको प्योर भी नहीं कहेंगे क्योंकि ये मिक्सअप है किसका सोल्यूशन ए प्लस बी का, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि ये इसकी क्या है सरफेस है, ठीक है। तो सरफेस पे बेटा सिंपल सी बात है दोनों टाइप के, अलग दिखाने के लिए मैं जो है इनको छोटे बड़े बना देता हूँ ए बी, ये ए है बी के मॉलिक्यूल, ए के मॉलिक्यूल फिर बी के फिर ए के फिर बी के, क्या इतनी बात समझ में आती है बेटा। सरफेस पे कौन आएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है जहाँ जब ये बेटा वेपर के फॉर्म में जाएंगे तो सिंपल सी बात है वेपर में भी क्या रहेगा ए बी, ए बी के ए के भी रहेंगे और बी के भी रहेंगे, ये जिस तरह से ये इवेपोरेट होगा जिस तरह से इवेपोरेशन होगा वैसे ही कंडेंसेशन होंगे, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो वहाँ पर वेपर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। अब बेटा आप एक बात बताइए कि पहली बात तो ये कि बी कैसा है वोलाटाइल है, यानी कि बी के भी वेपर प्रेशर बनेंगे, पहले केस में क्या था बी नॉन वोलाटाइल था यानी कि उसका वेपर नहीं बनता था केवल ए का बनता था, क्लियर है इतना, ठीक। अब यहाँ पे अपने को ये समझना है कि ये जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो वेपर प्रेशर होगा मान लेते हैं पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पी है, क्या हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा पी नॉट ए के, बेटा कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि अब यहाँ ए के साथ साथ बी भी प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा ये हम कब कह सकते हैं बेटा, ये हम तब कह सकते थे जब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना हो जाता जीरो हो जाए, मोल फ्रैक्शन बी यानी उसके मोल्स ही यहाँ पर प्रेजेंट ना हो, यहाँ कि हम यहाँ से बी को क्या करें अगर गायब कर देते तो हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर किसकी वजह से होता तब ए की वजह से होता, क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। चलिए बेटा अब बात करते हैं और इस चीज़ को हम इक्वेशन से भी समझ सकते हैं, जैसे कल मैंने इक्वेशन पढ़ाया था P इक्वल टू जैसे कि अपन दो सोल्यूशन का होता नहीं P नॉट A इंटू एक्स ए करके पढ़ाया था पी ए के लिए, ठीक है, यानी कि इसको अब जीरो करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा इसको जीरो करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब क्या है कि अभी इसका इक्वेशन मैं समझाऊंगा आगे इसी सोल्यूशन के लिए, अब क्या हम ये कह सकते हैं P इक्वल टू पी नॉट बी, जितना B का प्रेशर था क्या उतना सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, बेटा ये भी नहीं पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि B के साथ साथ A के भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। हाँ कब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके बराबर होता, जब क्या हो जाए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाए जीरो, बेटा अगर ये जीरो हो गया तो सिंपल सी बात है ये यहाँ से गायब हो जाएंगे और जब ये यहाँ से गायब हो जाएंगे तो प्रेशर किसकी वजह से रहेगा केवल बी की वजह से सोल्यूशन में रहेगा, आ रही बात समझ में, तो हम कह सकेंगे कि हाँ ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन अपन इन दोनों केस में नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ दोनों के वेपर हैं, इसलिए लेट दैट हम मान लेंगे कि ये कितना है पी है, ठीक है। लेकिन बेटा हमको एक एजम्पशन रखना पड़ेगा, ठीक है, हमको कुछ मानना पड़ेगा एक क्योंकि एक की ज़्यादा एक की कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि बेटा दो जो है इसीलिए मैंने अलग अलग बनाया है क्योंकि दो लिक्विड्स का वेपर प्रेशर कभी सेम नहीं हो सकता, तो हो सकता है बच्चों दिमाग में सर इसको भी प्योर लिक्विड ए और इसको भी ए ले लें, ठीक है बेटा ऐसा भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम क्या करें पानी में पानी मिलाएंगे तो सोल्यूशन नहीं बनेगा और हम क्या पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसलिए हमको दो अलग अलग लेने ही पड़ेंगे, दोनों के वेपर प्रेशर कभी भी सेम नहीं होते हैं अलग अलग होते हैं,
ठीक है, हम एवरेज भी नहीं कह सकते कि ये होता है, यानी कि दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो हम इसको बेटा मानेंगे, हम क्या करेंगे, लेट दैट के बेसिस पे इसका क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले और डेरिवेशन होंगे। तो हम मान लेते हैं लेट दैट हम मान लेते हैं कि क्या माने कि जो लिक्विड ए है, लेट दैट लिक्विड ए बिकम्स मोर वोलेटाइल इन नेचर, मोर वोलेटाइल इन नेचर। जो लिक्विड क्या है बेटा, लिक्विड जो ए है वह कैसा है, ज़्यादा वोलेटाइल नेचर का है, यानी कि उसके वेपराइज होने की टेंडेंसी क्या है, बी से ज़्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ बेटा, इसका ये मतलब होता है कि जो पी नॉट ए रहेगा वह ज़्यादा होगा किससे, पी नॉट बी से। क्या मेरी बात समझ में आती है, अगर ये ज़्यादा वोलेटाइल है बेटा, इसके वेपर ज़्यादा बनेंगे तो इसका क्या होगा, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, किसके कंपेरेटिव में, इस लिक्विड बी के कंपेयर में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पर किसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होंगे, सिंपल सी बात है, किसके ज़्यादा होंगे, यहाँ पर बेटा ए के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, बी के क्या होंगे, कम होंगे। क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। तो अभी भी हम क्या कह सकते हैं कि प्रेशर जो है क्या P नॉट A के बराबर होगा, ये अभी भी नहीं होगा, क्योंकि B के तो थोड़े बहुत तो रहेंगे, ठीक है, अभी भी नहीं हो सकता ये, ठीक है। तो अब बात करेंगे कि सर फिर क्या होगा, तो मैं बोल दूं आपसे बेटा, जो जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, वो क्या होगा, वह हमेशा P नॉट A ज़्यादा है तो P नॉट A से तो कम रहेगा, बट क्या रहेगा, बट P नॉट B के कंपेयर में ये जो सोल्यूशन का जो प्रेशर है, जिसे मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस सोल्यूशन का जो प्रेशर रहेगा P, वो क्या होगा, इससे P नॉट A से तो कम लेकिन P नॉट B से ज़्यादा होगा। और इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ तो चल जाएगा बेटा, P क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, P नॉट B से, लेकिन कम होगा किससे, P नॉट A से। बेटा याद रखेंगे इस चीज़ को, ये इस पर अपन क्या करते हैं, काफ़ी अच्छे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। क्या बताइए, इतनी बात समझ में आ चुकी है बेटा, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ठीक, बढ़ा दें आगे, चलो ठीक है, इतना समझ में आ चुका है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा सोल्यूशन के बारे में, जैसे उसमें समझा था वैसे ही इसमें समझेंगे। बेटा इस सोल्यूशन के अंदर अपने पास क्या है बेटा, दो चीज़ें हैं, क्या क्या है, एक अपने पास क्या है सोल्यूट, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको हमेशा बी कहेंगे। दूसरा क्या है अपने पास, सॉल्वेंट, जिसे क्या कहेंगे बेटा, अपन ए कहेंगे। सबसे पहले जैसे वहाँ पढ़ा था, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फिजिकल स्टेट की, ठीक है, नोट्स में पूरा लिखेंगे फिजिकल स्टेट। बेटा फिजिकल स्टेट की बात करें, अब क्या है बेटा, बिना सोचे समझे सॉल्वेंट हमेशा किस में रहेगा, लिक्विड में रहेगा, एल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सॉल्यूट पहले क्या था, जब नॉन वोलेटाइल है तो सॉलिड, अब क्या है वोलेटाइल है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ये भी किस में है, लिक्विड में रहेगा। क्या इतनी बात समझ में आती है। बात कर लेते हैं हम नेचर की, तो अकॉर्डिंग टू केस के अकॉर्डिंग मैंने क्या बोला, जब भी बेटा ये तो पहले से ही क्या था, वोलाटाइल था, अब ये भी क्या है, वोलाटाइल नेचर का होगा। आगे बात समझ में, ठीक। अब बात करेंगे इनके वेपर प्रेशर की, जब मैं पूछूंगा बेटा वेपर प्रेशर, तो इसका वेपर प्रेशर कितना लिखा जाएगा, पी नॉट बी, इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा, पी नॉट बी, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, पी नॉट ए। पी नॉट बी का क्या मतलब हुआ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट बी, ठीक है। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ए। इसके बाद बात कर लेते हैं मोल्स की, बेटा मोल्स बोलेंगे तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखेंगे बेटा, मोल से बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, एन बी, सेम उसके जैसे, इसमें क्या लिखेंगे, एन ए। बात कर लेते हैं किसको, मोल फ्रैक्शन एक्स की, ठीक है। मोल फ्रैक्शन एक्स क्या होगा, अरे उसके मोल बेटे टोटल मोल, तो इसके मोल कितना, एन बी अपॉन टोटल मोल क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। तो ये किसका मोल फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये हो गया। अभी इसी तरह से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, मोल उसके मोल यानी कि एन ए अपॉन हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। बेटा क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है। लास्ट क्लास में बेटा मैंने यहाँ तक आपको पूरा समझा दिया था, ठीक है। अब इसको जो है अपन पूरा नोट कर लेंगे, समझते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ओके है। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, इरेज करना पड़ेगा अपने को, नोट कर लेंगे, ठीक है। इरेज करके मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ, बेटा याद रखेंगे इसमें क्या है, दोनों के दोनों जो अपने पास लिक्विड्स हैं वो कैसे हैं, जो है टोटल जो है वेपराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू राउल्स ला, राउल्स ला, आर ए ओ यू एल टी एस, राउल्स ला, ठीक है, राउल्स ला। तो जैसे उसमें अपन ने बोला था वैसे ही इसमें भी अपन यही बोलेंगे। राउल्स ला क्या होता था, मैंने बोला था कल की क्लास में कि वेपर प्रेशर ऑफ, ठीक है, ऑफ एनी लिक्विड इन एनी सोल्यूशन, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टू इट्स मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि वही है, तो वेपर प्रेशर तो हमने फॉर्मूला निकाला था पी ए, डायरेक्ट लिख दूँ, कल पढ़ाया था, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू क्या हो जाएगा, एक्स ए। ये सोल्यूशन ए का हो गया। सोल्यूशन बी में क्या था, पी बी इक्वल टू क्या था, पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा। बेटा वहाँ पे ये कितना था, जीरो, ठीक है। अब मैं बात करूँगा अगर इन दोनों को मिला के मैंने एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है, तो सोल्यूशन में प्रेशर क्या ए ए की वजह से है, नहीं, क्या बी की वजह से, नहीं, क्या दोनों की वजह से है, हाँ, यानी कि पी ऑफ द सोल्यूशन किसके बराबर है, पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा। अरे भाई राउट्स लॉ से यहाँ से आप देख सकते हैं, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो पी ए प्लस पी बी के इक्वल होगा, और पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि पी ए इक्वल टू क्या है, पी नॉट ए एक्स ए, बेटा पी बी इक्वल टू क्या है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो यानी कि पी इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अपना फार्मूला है, आगे बात समझ में, ठीक है। इसमें सारे टर्म्स एक बार फिर से समझा देता हूँ। पी क्या है, पी है क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। पी नॉट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बी, यानी कि क्या, सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूट। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट या लिक्विड बी। समझ में आ चुका है पूरा, ठीक है। चलिए बेटा इसको मैं इससे आता हूँ कि थोड़ा सा डिराइव करूँ, और चूंकि सभी जानते हूँ, यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको मैं डिराइव करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं, और चूंकि सभी जानते हैं क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए किसी भी सोल्यूशन का, ठीक है, दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर हम जोड़ दें तो किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। आ रही बात समझ में, तो अगर मैं ये कहूँ एक्स ए, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होगा, वन, तो एक्स ए इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, वन माइनस एक्स बी। क्या इतनी बात समझ में आती, कल भी अपन ने ऐसे किया था। तो एक्स ए की जगह मैं क्या रखूँगा, वन माइनस एक्स बी रख देता हूँ, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू वन माइनस एक्स बी प्लस क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इधर आएगा, माइनस क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। बेटा ये मल्टीप्लाई है, कटेगा नहीं, लेकिन इन दोनों में आप एक चीज़ देखेंगे, एक्स बी क्या है बेटा, कॉमन है, तो हम इसको स्ट्रेट आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको बेटा इधर लाना चाहता हूँ, इसको इधर, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, तो ये लिख सकते अपन पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, ठीक है, प्लस कर देंगे क्या, ब्रेकेट में क्या आ जाएगा, पी नॉट बी माइनस क्या आ जाएगा, पी नॉट ए इंटू क्या जाएगा, कॉमन लिया है तो क्या हो जाएगा, एक्स बी, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा जो इक्वेशन लिखता हूँ मैं वही फॉर्मूले होते हैं। बेटा ये समझ में आ चुका है कैसे मैंने किया है, ठीक है। सर ये आपने क्यों करवाया है, बेटा ये इसलिए करवाया है कि जब आपको ओनली प्रेशर दिया रहे, ये कब लगाएंगे, इन सभी पे एक एक न्यूमेरिकल में सभी करवा दूंगा, ये कब यूज करेंगे, जब अपने को दोनों के प्रेशर और मोल मोल्स या ग्राम वेट पता होंगे तो हम इसको लगाएंगे। बेटा ये फार्मूला हम कब लगा सकते हैं, जब हमको सोल्यूशन का प्रेशर पता हो, ठीक है, और उसके बाद क्या है, अपने को जो इनके जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होंगे इनका प्रेशर पता हो और मोल फ्रैक्शन पूछ रहा हो, तो हम इस फॉर्मूले के, मोल फ्रैक्शन पूछ ले सोल्यूट का कितना होगा, तो इसके लिए अपन इसको यूज करेंगे। आ रही बात समझ में, हाँ। तो बेटा ऐसा ही डेरिवेशन अपन ए के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्स भी निकालना तो अपन ने सीख लिया, जब प्रेशर दिया हो, दूसरे का ना दिया हो, ओनली प्रेशर दिया हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, हम एक्स ए के लिए निकालना चाहते हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, अपन ट्रिक यूज कर सकते हैं एक, ठीक है। मान लीजिए कभी भूल जाइए, तो अपने को क्या करना है, ट्रिक देखो क्या है, कि जब ये बी था, बी का निकालना था, बेटा बी का निकालो तो हम उल्टा चलेंगे, बी है तो हम ए से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, ए बी ए बी ऐसे करके है, और जब यहाँ पे ए का निकालना होगा तो अपोजिट कर देंगे, बी था तो ए से स्टार्ट करेंगे, ए था तो बी से स्टार्ट करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपना, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट, ध्यान से देखेंगे, पी नॉट बी था तो ए से स्टार्ट करेंगे,
अब ए है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्स से निकालना है, तो अब इसको बी से स्टार्ट करेंगे, तो पी नॉट बी प्लस बी के बाद क्या आ जाएगा पी नॉट ए माइनस ए के बाद क्या आएगा फिर से बी पी नॉट बी, और ये अपना दूसरा फार्मूला बन गया जिसको मैंने इसी से डिराइव किया है, इसी से बेटा मैंने डिराइव किया है, ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड, देख सकते हैं इसको, क्या इतनी बात समझ में आती है। तो एक फार्मूला है दूसरा कर सकते हैं, तो अब एक फार्मूला इसी से बेटा सारे डिराइव हुए हैं, ये पेरेंट है अपने पास जब दोनों के दोनों, तो वन टू और थ्री ये तीन जो है अपने पास फार्मूले आ चुके हैं कैलकुलेशन वाले। एक छोटा सा और बात बता देते, तो इसके अंदर ग्राफ कर लेते हैं, तो अपना ये थ्योरी पोर्शन इसका फिनिश हो जाएगा। ग्राफ बेटा सोल्यूशन में जब भी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बार बार दो ग्राफ है, दो ग्राफ इसलिए होता है क्योंकि स्टार्टिंग में हम ये ग्राफ किसके बीच में होता है, ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में होता है, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है, किसके बीच में लाई कर सकता है, ये जीरो टू वन, जीरो से लेकर के एक के बीच में कहीं भी आ सकता है। तो अगर हम इसको जीरो मानते हैं तो इसको हमको वन मानना पड़ता है, अगर हम इसको जीरो मानेंगे तो वन मानना पड़ता है, इसलिए अपने को दो लाइनें दिखती हैं बार बार मोल फ्रैक्शन की वजह से, अपन को दो लाइनें लेनी पड़ती है। अभी मोल फ्रैक्शन हटा दीजिए, कोई और टर्म ले लीजिए, तो देखिए बेटा हमको ये दो लाइनें नहीं लेनी पड़ती, यही रीजन है इस चैप्टर में, ठीक है। अगर हमने क्या किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सपोज कर लिया कि यहां से यहां बढ़ रहा है, यानी कि पहले तो जीरो था, जीरो से क्या है वन है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो अकॉर्डिंग टू दिस केस, ये जो केस है और जो हमने माना एजम्पशन के लिए, हमने क्या माना था कि जो लिक्विड ए है ये मोर वोलेटाइल नेचर का है, यानी इसका वेपर ज्यादा बनेगा, वेपर ज्यादा बनेगा तो बेटा वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा, और कहां से चल रहा है ये जीरो से वन तक चल रहा है, तो ये ग्राफ क्या होगा जीरो से वन तक चलता जाएगा, और ये जब यहां पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये पी नॉट ए इक्वल हो गया। जब x is equal to 1 है, फिर क्या है बेटा, जब x is equal to 1 है तो x भी equal to बेटा कितना होगा, 0 होगा, x से जब 1 होगा तो x भी 0 होगा, कैसे, क्योंकि बेटा x से plus x भी equal to कितना होना चाहिए हमेशा 1, अगर ये 1 है तो पक्का ये कितना होगा 0 होगा, क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है, ठीक है। यानी कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, यानी कि सिंपल सी बात है बेटा, अगर क्या है, अगर x से इक्वल टू 1 है, ठीक है, ये तभी हो सकता है जब x भी कितना हो जाए 0, जैसे मैं इसको 0 करूंगा तो जो प्रेशर रहेगा आप जिस सोल्यूशन, ये किसके इक्वल हो जाएगा p नॉट a के, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर कितना हो जाएगा p नॉट a, यही मैंने, ये वेपर प्रेशर की लाइन है और ये किसका है मोल फ्रैक्शन का, ये भी वेपर प्रेशर की लाइन, ये भी वेपर प्रेशर की लाइन है, तो कितना हो जाएगा ये p नॉट, यानी कि मैक्सिमम जो प्रेशर होगा सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा ये p नॉट a। अब बात करते हैं चलिए b की, बेटा ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट, x से जितना ज्यादा होगा x भी उतना ही कम होगा, सही नहीं बोल रहा हूं, इसको ऐसे देख सकते हैं बेटा, अगर x से कितना है 0.2 है तो x भी कितना होगा 0.8 होगा, x से 0.5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 0.5, x से 0.6 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 0.4, x से 0.9 हो गया तो x भी 0.1, टोटल 1 होना चाहिए, x से अगर 1 हो गया तो अपने आप 0, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा बेटा घटता जाएगा, हरी बस में एक बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा, यानी अगर इधर से इधर चलने पे बढ़ रहा है तो जो x भी होगा बेटा सिंपल सी बात है मोल फ्रैक्शन ऑफ b, यानी कि सॉल्यूट का वो कितना होगा, ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है, यानी कि ये 0 से 2 1 जाएगा, ध्यान से देखेंगे बेटा ये 0 से चलता गया 1 तक, ठीक है। और यहाँ पर जब ये कितना हो जाएगा, जब x भी 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पर मैक्सिमम प्योर लिक्विड b का अपने को प्रेशर मिलेगा, यानी ये क्या हो जाएगा p नॉट b हो जाएगा। आपने एक चीज़ नोटिस किया, इस ग्राफ में बेटा p नॉट a ज़्यादा है, p नॉट b कम है, क्यों कम है, क्योंकि तो बेटा हमने माना है कि जो लिक्विड ए है वह मोर वोलेटाइल है, यानी इसका वेपर प्रेशर क्या होगा ज़्यादा होगा, तो हमने इसको क्या किया है ज़्यादा किया है, और ये इतना है अपना, क्लियर है ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम इस पे मान सकते हैं, ठीक है, वन से लेकर के अपना बढ़ाते जाएंगे इतने एम एफ और जी, ठीक है, और ये प्रेशर कितना है वेपर प्रेशर, केवल इतना ही ये कम है, कहते बस समझ में आएगी कि लाइनें ऊपर नीचे क्यों आई हैं, ठीक है, क्लियर है। अब बात करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वो क्या होगा इन दोनों के इंटरमीडिएट के हिसाब से होगा, तो ये इस लाइन को अपने को यहाँ से ऐसे करके मिला देंगे, तो ये बेटा ये लाइन किसकी हो जाएगी, ये लाइन हो जाएगी जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की, जब हमने क्या मिलाया ए बी को मिलाया जिसमें ए क्या है मोर वोलेटाइल। बेटा आपको नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, मेरा चेहरा नहीं पसंद आ रहा है, तो बेटा हम आप ये एजम्पशन मान करके इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं जो मैंने आज पढ़ाया है कि सर हमको नहीं अच्छा लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा, आप जो है लिक्विड बी को जो है क्या करना, लिक्विड बी को जो है मान लेना वो मोर वोलेटाइल है और लिक्विड ए क्या है लेस वोलेटाइल है, उस पर भी बेटा सॉल्व करना, सब कुछ वैसा ही आएगा,
ठीक है, ये ग्राफ क्या होगा, बस ये ग्राफ बेटा ऊपर हो जाएगा, ये ग्राफ थोड़ा नीचे हो जाएगा, बस ठीक है आएगा तो ही। और ये किसका बेटा, ये वाली लाइन ये किसको शो कर रहा है कि P इक्वल टू कितना है, P नॉट, ये B का है तो P इक्वल टू क्या है इसमें, P नॉट B, ये PB का ग्राफ है, PB इक्वल टू क्या है, P नॉट B XB, सॉरी हाँ ये वाला ग्राफ क्लियर है, ये यहाँ से यहाँ तक वाला ग्राफ है। और ये जो ग्राफ जा रहा है A वाला, ठीक है, ये किसका ग्राफ है, PA का, यानी कि P नॉट A इंटू XA का ग्राफ है। ठीक है बेटा, क्या इतनी बात समझ में आती है, ठीक है, ये इसका टोटल ओवरव्यू बता दिया मैंने। ठीक है, ये अपना, ये जो अपन ने केस सेकंड उठाया था कि अगर लिक्विड भी, एक बार केस पढ़ा अपन ने जिसमें लिक्विड ए क्या था, जो है लिक्विड भी नॉन वोलेटाइल था, इसमें क्या किया, दोनों लिक्विड का जो है अपन ने क्या किया, वोलेटाइल कर दिया, और अपन ने प्रेशर और इनके मोल फ्रैक्शंस को निकालना सीख लिया है। बेटा इसमें अपन ट्रिक्स से भी इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इतना हो गया, इस पे जो है बेटा जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, वो जो है अपन जो है कल करके देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहेगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर को अपन इसी से कल फिर से कॉन्टिन्यूस करेंगे। तो बस आज की कथा इतनी ही रहेगी, बाकी कथा कल सुनाएंगे। थैंक यू बेटा।